हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है फोर्थ डायमेंशन एंड सॉल्यूशन लिमिटेड। और इस कंपनी का जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो है फिलहाल आज की डेट में 84 रुपीज़ 35 पैसा। और इस शेयर ने जो है पिछले 3 मंथ में यहाँ पे गजब के रिटर्न बना के दिया है, ऑलमोस्ट 300% यहाँ पे रिटर्न बना के दिया हुआ है। और अगर पिछले 1 मंथ की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया है शेयर ने, ऑलमोस्ट मतलब 3 to 3.5% यहाँ पे रिटर्न बना के दिया हुआ है। और अगर 1 मंथ की हम यहाँ पे बात करेंगे, सॉरी 5 डेज़ की अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7.30% की यहाँ पे जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों है, यहाँ पे किसने जो है ज़्यादा यहाँ पे माल सेल किया हुआ है, प्रमोटर्स अपना जो है होल्डिंग यहाँ पे सेल कर रहे हैं या फिर कोई ऑपरेटर एक्टिव हो चुके हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जो बल्क डील्स हुई हैं उनके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। और साथ ही साथ हम जो है यहाँ पे आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे हैं तो आप यहाँ से यूट्यूब से भी पैसा कमा सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल बना के आप यहाँ पे जो है हमारी पेड मोनेटाइजेशन सर्विस एक्ट ले के आपको यहाँ से जो अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है। अगर आप में कोई क्रिएटर है, आपके अंदर अगर कोई क्रिएटिविटी है तो आप हमारे यहाँ से जो है पेड सर्विस ले के अपना यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज करा ले सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने के लिए अपना यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में ईमेल आईडी या फिर अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट ना ये जो वेबसाइट है ट्रेडलाइन, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर डायमेंशन कंपनी का जो बल्क डील्स हुई हैं कंपनी में 28 तारीख को, 28 नवंबर को, तो उसके ऊपर हम नज़र डालेंगे और हम चेक करेंगे कि कैसे मतलब यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स जो है एक्टिव हो चुके हैं और अपना यहाँ पे अभी जो है बाइंग सेलिंग का पोजीशन बना के एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के चक्कर में यहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके वांदे लगा हो जाएंगे, वांदे करने के लिए यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिंक स्टार नाम की एक लिंक ट्रस्ट नाम की जो है यहाँ पे कंपनी है, कंपनी के क्लाइंट का नाम है जो कंपनी के नाम से रजिस्टर किया गया है, उसने एक दिन में ही अकेले नहीं यहाँ पे जो है करीब 2.25 लाख के करीब शेयर जो है मार्केट रेट पे यहाँ पे सेल आउट कर दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मंगीलाल दुग्गर, ये इन्होंने जो है 23 अक्टूबर को भी यहाँ पे जो है अपना कुछ शेयर जो है बाइंग और सेलिंग किए थे इस फोर डायमेंशन कंपनी के जो शेयर हैं उनमें। तो आगे चल के ये कंपनी जो है हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक 30 to 40% यहाँ पे जो है हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और आगे फ्यूचर में जो है इस कंपनी में कैसे बने रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कि ये कंपनी जो है फ्यूचर में कैसे परफॉर्म कर सकती है, इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसके अंदर प्रमोटर्स होल्डिंग वगैरह के इसके बारे में सबके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे कि हम यहाँ पे फोर डायमेंशन कंपनी के जो है वेबसाइट पे आ चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये डिज़ाइनिंग डेवलपिंग और यहाँ पे आईटी सेक्टर का डिलीवरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज़्यादा काम करती है। मार्केट कैप इसका बहुत ही छोटा है, 275 करोड़ रुपीज़ का, करंट मार्केट प्राइस 84 रुपीज़ का चल रहा है। और 52 वीक हाई की अगर हम बात करेंगे तो 94 रुपीज़ का, 92 रुपीज़ 40 पैसा, और 52 वीक लो की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 26 रुपीज़ का है। स्टॉक पी 7 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू से अच्छी पोजीशन पे, यानी ऑलमोस्ट डबल के आसपास ये जो शेयर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड फिलहाल कंपनी नहीं देती है, आरओसी और आरओई दोनों के दोनों फिलहाल ठीक ठाक पोजीशन में है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है और हमें ऐसे जो शेयर्स हैं इनमें पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देना चाहिए, मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो शेयर है फोर्थ डायमेंशन और BCG और इसके जैसे और भी बहुत सारे 3i इन्फोटेक, ये जो शेयर है TTML, ये जो शेयर है ये फ्यूचर में बहुत ही बड़े मल्टीप्लायर बन के साबित हो सकते हैं। जब तक इनमें ऑपरेटर्स एक्टिव हैं तब तक ये शेयर में जो है थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, इनके रेट और जो है वो अप एंड डाउन सेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये जो शेयर हैं अगर आप इन्हें 5 से 10 साल का टाइम देते हैं तो ये शेयर आपको मतलब करोड़पति बनाने से कहीं नहीं पीछे छोड़ेंगे। अगर आप इस शेयर में जो है जो मैंने अभी तक यहाँ पे जो नाम लिया है BCG, वो डायमेंशन और 3i इन्फोटेक और इसी के साथ साथ TTML और ऐसे और भी थोड़े से जो शेयर्स हैं, इनमें अगर आप हज़ार हज़ार की क्वांटिटी में अगर आप शेयर्स बाय करके अगर एक 10 साल के लिए आप छोड़ देंगे तो आपको यहाँ से करोड़ों का यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप करोड़पति तो आराम से बन ही जाएंगे इन सभी में से। अगर किसी किन्हीं दो शेयर ने भी अगर यहाँ पर अच्छा से परफॉर्म किया तो आप वहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे, आपको उसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम यहाँ पे इसके प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे जो है रिड्यूस अपना डेप्थ जो है रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। और कंपनी यहाँ पे जो है अच्छा
यहाँ पे इसके अगर कॉन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने खुद से ही कहा है कि कंपनी जो है लगातार यहाँ पे जो है सेल्स में प्रॉफिट जनरेट करते हुए भी यहाँ पे जो है डिविडेंड नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनियाँ वही डिविडेंड देती है जो मतलब पूरी तरह से एस्टेब्लिश है। अगर फ्यूचर में कोई कंपनी और ज़्यादा एक्सपांड होना चाहती है तो वो कंपनियाँ जो है डिविडेंड नहीं देती हैं ज़्यादातर के। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, और इसका कंपटीशन देखिए गज़ब का, यहाँ पे जो इसका कंपटीशन देखने को मिल रहा है, टाटा एलेक्सी, L&T, एम्फेसिस, और इसी के साथ जो और भी बड़े बड़े यहाँ पे मार्केट के दिग्गज IT सेक्टर के साथ कंपनियों के साथ इसका जो है यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने जो है अच्छा ही परफॉर्म किया है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है पहले जो निगेटिव का जो प्रॉफिट का यहाँ पे जो टर्म था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो अभी बहुत ही कम हो गया है। पहले 29 लाख रुपीज़ का यहाँ पे जो है वहाँ 0 पॉइंट, ये जितने फिगर्स हैं ये सारे सारे क्रोर्स में, और जो पॉइंट सेक्शन के आगे आया है वो लैक्स में है जो नंबर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए पिछले साल जो है 29 लाख का यहाँ पे लॉस था, और पिछले क्वार्टर में 31 लाख रुपीज़ का लॉस था, और इस कंपनी ने जो है इसी क्वार्टर में अच्छा खासा जो है अपना लॉस मेंटेन करते हुए कवर करके अभी सिर्फ और सिर्फ 0.11 लाख का यहाँ पे जो है माइनस देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी आगे आने वाले वक्त में अपना ये भी माइनस जो है ये क्लियर कर देगी। और अगर हम नीचे आएंगे यहाँ पे, अगर हम इसके सेल्स की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने जो है गज़ब का यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस बना के देती हुई नज़र आ रही है। पिछले कुछ सेक्शन में ऐसे ईयर्स में ये जो कंपनी है थोड़ा सा मतलब ठंडा चल रही है, और यहाँ पे आगे आने वाले वक्त में कंपनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। कंपनियाँ वही तो रहती है ना फ्रेंड, मतलब जीरो से हीरो बनने वाली कंपनियों में से वही तो आने वाली कंपनियों में यही है कंपनी है। आपको इस कंपनी में जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करके थोड़े दिन के लिए भूल जाना चाहिए। और कंपनी के पास एक हेल्दी रिजर्व भी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 131 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे जो है कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो ये कंपनी फ्यूचर में अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आ सकती है हमें। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि शेयर होल्डर के यहाँ पे शेयर्स जो है शेयर होल्डिंग के पैटर्न में बहुत ही अच्छे तरीके से है यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है। मैं आपको मेरी ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की जो वीडियो है आपको नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में इसका टॉपिक मैं आपको कवर करके दिखा दूंगा, और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया होगा कि शेयर में बने रहना है या नहीं रहना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर बाइंग और सेलिंग का जो प्रेशर है अगर ऐसे ही इस शेयर में बना रहा तो आने वाले कुछ वक्त में ये शेयर में जो है ऑलमोस्ट 30-40% की यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको यहाँ पे डरना नहीं है और इस शेयर में बने रहना है, और जितना भी शेयर जो लो प्राइस में आता है तब भी बाइंग करते हुए इसकी जो है एवरेज बना के रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पेड मोनेटाइजेशन में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए। अपना कांटेक्ट नंबर हमें हमारे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।